हेलो गाइस, तो आज व्लॉग लेट चालू हो रहा है। तो बेसिकली मेरा अभी जस्ट लंच हुआ, अभी टाइम हो रहा है 3:45, 3:45 होके गए। तो बेसिकली आज मंडे है, तो आज से डेली शेड्यूल चालू हो गया। सुबह जिम वगैरह गया था, तो इसके वजह से सुबह से बहुत बिजी चल रहा था, तो इसके लिए अभी टाइम मिला, अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज हम जाएंगे बाइक पे मोटा खर्चा कर। तो आज बाइक के टायर्स और अलॉय व्हील्स का जो स्पोक व्हील है उसको चेंज करके अलॉय व्हील में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी जस्ट मेरा लंच हुआ, मेरा एक छोटा सा काम है अभी, वो करता हूँ और मैं निकलता हूँ। अभी उसमें अलॉय व्हील में भी बहुत लंबा प्रोसेस है, अब देखिए ऑन दी वे क्या प्रोसेस होता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत, नए व्लॉग की शुरुआत, मोटे खर्चे वाले व्लॉग की शुरुआत। तो चलिए आप आगे देखिए, अभी मैं बाइक पे निकलता हूँ, फटाक से शोरूम पे जाते हैं, वहाँ से अलॉय व्हील परचेस करते हैं, बाकी के प्रोसेस करते हैं। निकल गया मैं घर से, तो अभी मैंने हेलमेट बिना बालाक्लावा का पहना है और उसके वजह से मेरे को हेलमेट थोड़ा बड़ा लग रहा है, पता नहीं। मतलब इसके पहले जब मैंने बिना बालाक्लावा का ट्राई किया था तो सही से फिट आ रहा था, लेकिन फिर उसमें दिक्कत एक हो रही थी कि मेरे कान के यहाँ पे थोड़ा पेन कर रहा था, पता नहीं क्या था। तो ठीक है, लेकिन विदाउट बालाक्लावा भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा, ऑकवर्ड एज इन थोड़ा अजीब फील हो रहा है, बट वही है, यूज टू हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं लगेगा। तो फिर सिटी के अंदर घूमने के लिए विदाउट बालाक्लावा फील्स गुड, क्योंकि छोटे छोटे राइड्स करने होते हैं, छोटे छोटे राइड्स हैं। अभी मेरे को शोरूम जाना है, तो शोरूम इज़ लाइक हार्डली यहाँ से 3-4 किलोमीटर, तो इसके लिए बालाक्लावा पहनो, निकालो, उसको लेके घूमो, एक टास्क हो जाता है इसके लिए। और इतनी गर्मी हो गई है ना, क्या ही बताओ। अभी मैंने जस्ट वाइज़र बन किया, नहीं तो उसके पहले मेरे को आंखों पे पूरी गर्म ऐसी हवाएं लग रही थी। तो चलो अभी डायरेक्टली जाते हैं शोरूम। तो गाड़ी के टायर की हालत क्या हो गई, मैं आपको शोरूम पहुँच के दिखाता हूँ। पीछे का जो टायर है, रियर व्हील जो है, वो पूरा ही हो गया, वेयर आउट हो गया। तो मैं शोरूम पहुँच के आपको दिखाता हूँ, रुक के, गाड़ी की क्या हालत है। ये हम पहुँच गए शोरूम और गाड़ी के टायर की हालत देखो क्या हुई है, पूरी तरह वेयर आउट हो गया गाड़ी का टायर। ये स्पोक व्हील से इसको चेंज करते हैं अलॉय व्हील में। अलॉय व्हील अवेलेबल है इनके पास, लेकिन अभी इश्यू ऐसा है कि मेरे को नकल गार्ड भी खरीदना है इसका। तो नकल गार्ड बेसिकली ये साइड लेफ्ट साइड वाला बिट जाएगा, लेकिन राइट साइड में ये जो अपन ने क्रूज कंट्रोल का सिस्टम लगाया इसके ऊपर बिठाने के लिए कुछ ट्रायल एरर करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा। तो वो अभी ट्रायल करने के लिए अंदर लेके जा रहे गाड़ी। जो नकल पैड्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो 2-3 दिन लगेंगे आने के लिए उन्होंने कहा। तो वो बोले 2-3 दिन के बाद आओ, सब काम वीकेंड पे करते हैं। तो आज मंडे, ये वीकेंड पे अगले जाके सब काम करवा लेते हैं। वो बोले 1 दिन लगेगा पूरा अलॉय व्हील वगैरह चेंज करना है। तो बेसिकली अलॉय व्हील का सीन ऐसा है कि उनके पास जो टायर अवेलेबल है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जो टायर चाहिए वो कहीं और से परचेस करने हैं। तो मेरे को अलॉय व्हील इनसे परचेस करके टायर के स्टोर में जाके वहाँ पे टायर का फिटिंग करके फिर से अलॉय व्हील टायर वाले साथ इन ला के इनको सबमिट करने हैं, फिर ये पूरा उसका फिट करके देंगे, जो कुछ भी चीज़ें हैं पूरे गाड़ी में इंस्टॉल करके दे देंगे वो। तो चलो फिर, अभी के लिए तो कुछ नहीं है। सो फास्ट फॉरवर्ड 3-4 दिन के बाद, आज है सैटरडे, मैं जो अलॉय व्हील के काम के लिए गया था वो था मंडे। सो एटलीस्ट 4 दिन पास हो गए। तो मुझे जो रॉयल इनफील्ड वाले थे पास वाले चिंचवड़ में, उन्होंने कहा कि 4 दिन में आ जाएगा नकल गार्ड जो चाहिए था, बेसिकली एड ऑन अलॉय व्हील उनके पास थे लेकिन नकल गार्ड्स नहीं थे। तो नकल गार्ड उनके पास अभी तक आए नहीं, मैं कल से कॉल कर रहा हूँ, कल फ्राइडे कॉल किया, सैटरडे कॉल किया, तो भी इनके पास आए हुए नहीं है। तो मुझे और एक डीलरशिप मिली है जहाँ पे दोनों अवेलेबल है और दोनों 1-2 घंटे में फिट भी हो जाएंगे तुरंत से। तो अभी मैं वही निकल रहा हूँ। तो आज फाइनली गाड़ी के अलॉय व्हील नकल गार्ड सब फिट हो जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30-2 के अराउंड कुछ हो रहे हैं,
मैं अभी जस्ट लंच किया अभी फटाफट। सबसे पहले तो मुझे टायर खरीदना है, टायर खरीदते हैं, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ आगे बाइक लेके। मेरे को टायर और ये सब मेरे ख्याल से सब कार में लोड करके जाना पड़ेगा, फिर जो स्पेयर व्हील लेके आना पड़ेगा, बहुत झंझट है। पास में हो जाता तो जल्दी फटाक से हो जाता, लेकिन अभी बानेर जाना है। बानेर जिया से लाइक ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर्स। टायर लाने के लिए दूसरे साइड जाना है, गाड़ी फिटिंग के लिए दूसरे साइड जाना है, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए अभी अब मैं जाता हूँ कार में, फटक से टायर लेके आते हैं, उसके बाद बाइक लेके निकलते हैं बानेर के लिए। ऑल सेट, टायर परचेस हो गए, अभी मैं बाइक लेके निकला हूँ। तो अभी जाना है बानेर वाले शोरूम पे। हाँ, बहुत भागा दौड़ी हो रही है यार। एक तो सीन ऐसा हो गया, मैं कार में निकला था, कार में मतलब टायर लेके आया मैं, और फिर उसके बाद गाड़ी की तो चाबी थी, बाइक की चाबी मैं कार में भूल गया, और भाई को बोला तो टायर लेके आगे निकल। तो फिर बीच में उसको फिर से जाके भागते हुए गया, याद आया बीच रास्ते में, तो जाके गाड़ी की चाबी लेके आया और अभी निकला हूँ। तो अभी डायरेक्टली पहुँचता है बानेर वाले शोरूम पे। वो बोले 1-1.5 घंटा लगेगा, तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट करेंगे या देख लेंगे जो भी होता है। मैंने आपको टायर के बारे में बताया नहीं बेसिकली टायर कौन सा परचेस किया है। सो टायर मुझे लेना था सीएट का जो ग्रिप एक्सल करके आया है नया टायर, पिछले 1.5-2 साल से मार्केट में चल रहा है। बहुत सारे रिव्यूज़ देखे मैंने, बहुत सारे रिसर्च की उसके ऊपर। तो बेसिकली सेम पैटर्न में पहले रैल्को के टायर आते थे, पहले मतलब अभी भी है मार्केट में। सो रैल्को का देख के, जो भी रॉयल एनफील्ड्स थी पहले, मैंने रिसेंटली 2-3 रॉयल एनफील्ड ऑब्जर्व की, आज के दिन में ही बोल सकते हो, मैंने अभी जब जाते हुए टायर खरीदते टाइम एक ऑब्जर्व की, उसमें भी रैल्को का टायर लगा हुआ था। और टायर शॉप वाले ने भी सजेस्ट किया सीएट के टायर बेसिकली अवेलेबल नहीं है, जो आगे वाला है साइज उसका 90-90-19, सो वो वाला टायर ट्यूबलेस में अवेलेबल नहीं है। तो फिर आई हैव गॉन फॉर रैल्को। तो रैल्को में सेम पैटर्न है, सो बेसिकली रैल्को इज़ दी ओल्ड ब्रांड, सीएट का सेम पैटर्न में अभी अभी नया आया है। तो मैंने रैल्को का ख़रीदा है, देखते रैल्को का कैसे आता है परफॉर्मेंस। सीएट के तो बहुत वीडियोस देखे मैंने, बट रैल्को का इतना देखा नहीं। बट टायर के क्या बोलते हैं कंपाउंड वगैरह मैंने चेक किया, फील्स गुड, सेम साइज़ में अवेलेबल भी था एंड ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। मैं पहुंच गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम और मैडम आज अलॉय व्हील साठी बोलना झालं तुमच्या ऍक्सेसरीज वाले कोण आहेत? कुठून रस्ता काय काय नो एंट्री रॉन्ग साइड ने जावा, हां राइट ने आणि राइट ला सेम बिल्डिंग मध्ये बॅक साइडला। अच्छा, सेम बिल्डिंग मध्ये बॅक साइडला आहे, ठीक आहे। पीछे जाके देखता हूं और ये अपनी कार, उसमें टायर्स है। मागे मी आलो जाऊन, ये रहा सर्विस सेंटर। एक्सेसरीज वाले कौन है? एक्सेसरीज वाले, एक्सेसरीज
ऍक्सेसरीज वाले कोण आहेत मला त्यांच्याशी फोनवर बोलणं झालं होतं. संकेत बोलवा ना. अभी टाइम हो रहा ऑलमोस्ट 4:15, तो वो बोले 1.5-2 घंटा लगेगा गाड़ी के पूरे इंस्टॉलमेंट करने के लिए. सो मैं गाड़ी शोरूम पे छोड़ के आया, भाई आया था साथ में तो कार्बोरेटर आया. फिर से 6 बजे जाना पड़ेगा और बाहर इतनी खतरनाक वाली गर्मी है, क्या बताऊँ. ये मेरी हालत देखो, पूरा पसीना पसीना. अभी जस्ट आए और घर आके सबसे पहला काम जो किया है मैंने वो किया है AC चालू. तो अभी मेरे को थोड़ा थकान जैसा लग रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ एक आधा छोटा सा नैप लेता हूँ और फिर उसके बाद 6 बजे जाते हैं फिर से गाड़ी लेके आते हैं. इट्स अ गुड स्लीप. तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:15. तो अभी भाई कहीं बाहर गया है तो वो कार लेके आ रहा है 6 बजे तक. उसके बाद आई लीव टू पिक द गाड़ी और कुछ 1.5-2 घंटे की नींद. उसके बीच में लाइट चली गई, फिर AC बंद हो गया तो रूम पूरा गर्म हो गया, मेरी नींद खुल गई. और अभी यह है, मस्त हवाएं चल रही है, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. इतनी ठंडी नहीं है बट हाँ अच्छी खासी है. तो चलो फटाफट में फ्रेश होता हूँ और निकलते हैं गाड़ी पिक करने के लिए. ऑल सेट एंड रोलिंग. बाइक बहुत मस्त दिख रही है यार, लेकिन अभी इसमें सिर्फ दिक्कत एक चीज़ हो रही है, गाड़ी राइट साइड पे पुल हो रही है. आई हैव नो आइडिया क्यों हो रही है, लेकिन अलॉय व्हील के साथ जो फीडबैक आ रहा है ना, मतलब ग्राउंड के ग्रिप का, मस्त मज़ा आ रहा है. कॉर्नरिंग में और मज़ा आएगा. अभी तक क्या बोलते हैं, टायर ब्रेक इन हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेक इन हो जाएगा ना, मचा देंगे अपन कॉर्नरिंग में. एक तो क्या बोलते हैं, ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है, इसकी वजह से इट फील सो गुड. और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये नकल गार्ड, सो ये भी लगा दिए साथ ही में. सो यस, वी आर ऑल सेट एंड रोलिंग. और अभी अंधेरा हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया अंधेरा. 6 बजे पहुंचना था लेकिन पहुंचते पहुंचते 6:30-7:30 हो गए. और सब प्रोसेस करते करते बिलिंग में, इनके बिलिंग के लिए एक तो मेन काउंटर पे जाओ आगे एक्सेसरीज के बिलिंग के लिए, तो वो बहुत भागा दौड़ी हुई. उसके बीच में मैं हेलमेट उधर शोरूम में भूल के आया, जो सुबह गया था मैं पूछने के लिए, सुबह नहीं दोपहर में शोरूम में, वहीं पे मैं हेलमेट भूल के आया. फिर से हाफ वे आके फिर से भागते हुए जाना पड़ा हेलमेट लाने के लिए. बट या जो कुछ भी है, ऑल सेट ऑल रोलिंग. पता नहीं मैं बार बार क्यों है ऑल सेट ऑल रोलिंग क्यों बोल रहा हूँ. और एक चीज़, ये जो राइट साइड का ब्रेक लीवर है ये भी चेंज किया है. सो वो पहले बहुत बेंड हो गया था किसी कारण से. और शाम होते ही ट्रैफिक चालू हो गई. तो चलो अभी घर पे निकलते हैं. अभी मैं गाड़ी तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो अभी घर पहुंच के अगर थोड़ी बहुत लाइट मिली हमें सही से तो वहां देख लेंगे, या फिर एक आधा सिनेमैटिक शॉट शूट कर लेता हूँ कभी आगे. कुछ इस प्रकार दिख रही है अपनी बाइक फाइनली आफ्टर दिस एलॉय व्हील का सेटअप, डायमंड कट एलॉय व्हील और उसके साथ ये नकल गार्ड्स लगे. सो ऐसा व्यू आ रहा है आगे से.
और ये है साइड व्यू।